हेलो लर्नर्स, दिस इज अंकित फ्रॉम इट्स स्किल्स एंड आज मेरा इरादा है आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने का। क्योंकि गाइस आज हम बात करेंगे इंटेंट टू। इंटेंट टू जिसका मतलब ही होता है इरादा होना, किसी भी चीज का इरादा होना। जैसे आज आपका अभी भी इरादा बना इस वीडियो को देखने का और मेरा इरादा हुआ आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाने का। तो चलिए देखते हैं गाइस कुछ एग्जांपल्स के साथ कि हम इंटेंट टू का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले गाइस बता दूं आप लोगों को कि जो इंटेंट है ये आपकी एक वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया। और इसके साथ गाइस हम टू का यूज करते हैं दूसरे एक वर्ब को जोड़ने के लिए। कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। पहला गाइस आपके पास आई इंटेंड टू डेकोरेट दिस रूम, इसका मीनिंग हुआ कि मेरा इरादा है इस रूम को डेकोरेट करने का। यहाँ पे टू आया है एक डेकोरेट जो कि हमारी एक वर्ब है उसको जोड़ने के लिए इंटेंट के साथ। तो गाइस बन जाता है यहाँ पे आई इंटेंड टू डेकोरेट दिस रूम, यानी मेरा इरादा है इस रूम को डेकोरेट करने का। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस ही इंटेंड्स टू बाय ब्लैक शर्ट, उसका इरादा है ब्लैक शर्ट खरीदने का। अब गाइस ही के साथ आपके वर्ब में एस ओ या फिर ईएस आ जाता है जब ही से नेम के साथ बात हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो। तो इसलिए गाइस ही के साथ इंटेंट के साथ ऐसा आ गया है और ये बन जाएगा ही इंटेंड्स टू बाय ब्लैक शर्ट, उसका इरादा है ब्लैक शर्ट खरीदने का। चलिए पूछते हैं नेक्स्ट में। तो गाइस नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है आई डू नॉट इंटेंड टू शिफ्ट इन दिल्ली, मीन्स मेरा कोई इरादा नहीं है दिल्ली शिफ्ट होने का। जैसे होता है ना कई लोग अलग अलग कंट्रीज पे जा रहे हैं, अलग अलग सिटीज पे जा रहे हैं शिफ्ट होने के लिए। तो गाइस मेरा तो कोई इरादा नहीं है शिफ्ट दिल्ली में होने का, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है भाई। कोशिश कर रही है सारी गवर्नमेंट की थोड़ा पोल्यूशन में कंट्रोल किया जाए, बट लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ लेकिन इरादा जाने का जरूर है लेकिन थोड़ा सा इंजॉयमेंट करने के लिए। सो आई डू नॉट इंटेंड टू शिफ्ट इन दिल्ली। पहुंचते अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम जो मना करेंगे तो ही के साथ डज आ जाएगा। जैसे आई के साथ डू आ गया वैसे ही के साथ डज नॉट आ जाएगा जब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो। जैसे गाइस इसमें एग्जाम्पल है ही डज नॉट इंटेंड टू ज्वाइन दिस कंपनी, यानी उसका इस कंपनी को ज्वाइन का कुछ भी इरादा नहीं है, उसका बिल्कुल कुछ इरादा नहीं है कि वो इस कंपनी को ज्वाइन करे। तो गाइस इस केस पे आप लोगे ही डज नॉट इंटेंड टू ज्वाइन दिस कंपनी। अब अगर हम बात करें पास्ट की तो गाइस पास्ट के लिए भी आपके पास मैंने दो एग्जांपल दे रखे हैं। पहले एग्जांपल है आई इंटेंडेड टू मेक पास्ता, यानी मेरा इरादा था। अब यहाँ पे गाइस जान दीजिए यहाँ पे इंटेंड नहीं इंटेंडेड आया है, यानी पास्ट के बारे में बात होगी। तो गाइस अगर पास्ट में बात होगी तो ऑब्वियसली बात है इंटेंड में सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, इंटेंडेड हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा आई इंटेंडेड टू मेक पास्ता, मेरा इरादा था पास्ता बनाने का, मेरा इरादा था पास्ता बनाने का। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास विकी डिड नॉट इंटेंड टू प्ले फुटबॉल, ये हमने नोट में बनाया है पास्ट के नोट में। तो गाइस यहाँ पे जब नोट में हम बात करें पास्ट में तो डिड आता है और डिड अपने आप में ही सेकंड फॉर्म है, इसीलिए अगले हमारे वर्ब में इंटेंडेड नहीं खाली इंटेंड होगा। क्योंकि पास्ट की जो हमारी अब बेसिक जो चीज है वो गाइस हमारी होती है सेकंड फॉर्म, जो कि हम पहले से लगा चुके हैं डिड में, क्योंकि डिड अपने आप में डू की सेकंड फॉर्म होती है। तो यह बन जाएगा विकी डिड नॉट इंटेंड टू प्ले फुटबॉल, यानी विकी का कोई इरादा ही नहीं था, विकी का इरादा नहीं था फुटबॉल खेलने का। विल मीट नेक्स्ट टाइम, एंजॉय सम, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।